मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के तहत नेहरी गांव में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां एक भाई ने अपने सगे भाई को मामूली जमीनी विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया है। विवाद मात्र एक पेड़ को लेकर था, जिस पर दोनों भाई हक जमा रहे थे। इस पेड़ को ही लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया और बूढ़ी माँ के सामने झगड़ती बार एक भाई ने दूसरे भाई पर डंडे से सर पर वार कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सुंदरनगर अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए IGMC शिमला के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही SP मंडी गुरदेव शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस पोस्ट नेहरी के अंतर्गत चरखड़ी के पास ही है, एक गांव है, वहां पे ये दो भाई है, ओम प्रकाश और परमदेव। इनका जमीन को लेकर कोई डिस्प्यूट था और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए परमदेव ने लोकल पंचायत प्रधान से रिक्वेस्ट की थी कि वो मौके पे आए और उस पे आकर के देखें और उसका सलूशन निकालें। जब पूरी पंचायत वहाँ पे मौके पे थी, गांव के लोग भी वहाँ पे थे, तो उनकी आपस में बात हो रही थी और इन बिटवीन वो एक पेड़ को लेकर डिस्प्यूट था, सिट्रस के पेड़ को लेकर के डिस्प्यूट था। अब जब फिर उप प्रधान और ये ओम प्रकाश और परमदेव तीनों ही उसके बाद अपनी इसकी माँ से पूछने के लिए गए, क्योंकि वो बताए कि ये पेड़ किसको दिया गया है। और जब वो तीनों ही वहाँ पे कमरे में बैठे थे, तो परमदेव ने वहाँ पे पास में ही पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उस डंडे से उसने ओम प्रकाश के ऊपर प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया और उसके नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। और उसी वक्त उप प्रधान ने उसको काबू किया और उसको जो विक्टिम था उसको उठा करके वहाँ से वो नेहरी हॉस्पिटल ले गए और नेहरी से उसको IGMC रेफर किया गया और रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये एक्यूज जो था वहाँ से फरार हो गया था, वहाँ से निकल आया था और पुलिस ने इसको आज ही सुबह अर्ली मॉर्निंग गिरफ्तार किया है और उसमें DSP सुंदरनगर, SHO BSL कॉलोनी मुकदमा की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं खुद भी मौके पे गया था।